Hello students, myself Dr. Nisha Jain. Apiculture next हम लोग आज start करने वाले हैं next chapter. Applied Zoology, Ethology and Biostats paper 3 का Applied Zoology का next chapter जो apiculture है इसका part 2 हम आज start करेंगे. Selection of bees for apiculture. एपिकल्चर मधुमक्खी पालन. मधुमक्खी पालन करने को शुरू करने से पहले हमेशा पहले हम बीज का सिलेक्शन करते हैं. हम ऐसी बीज मधुमक्खी पालन में काम में लेना चाहते हैं जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल हो. जैसे कि हनी बीज शुड बी जेंटल टेम्परामेंट, सौम्य स्वभाव की मधुमक्खियाँ हों. हनी बीज शुड हैव केपेबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, बहुत अच्छी उनकी कॉलोनी हो, वो अपने आप को एनिमी से बचा के रखे, उनमें बहुत एनर्जेटिक हो और उनमें वर्कर्स जो हों वो बहुत ही इंडस्ट्रियस हों. वर्कर्स कैन सक जूस फ्रॉम न्यूमरस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स के जूसेस को वो एक्सट्रैक्ट कर लें. बीज ऑन द होल कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर हनी फ्रॉम इट्स कोम, हम अधिक से अधिक मात्रा में हनी हमें प्राप्त हो ऐसी मधुमक्खी हम प्रेफर करेंगे. बीज कैन फ्रॉम देयर कोम इजिली एट एनी प्लेस, जो बीज हैं वो किसी भी प्रकार का छत्ता कहीं भी बना सके. द एपिकल्चर साइंटिस्ट एंगेज इन जेनेटिक्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सच क्रॉस रेसेस विच वुड नॉट बी ऑफ फेरोशियस नेचर बट बी अ गुड हनी प्रोड्यूसर. इन इंडिया एपिस इंडिका इज द बेस्ट बी फॉर एपिकल्चर इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स जेंटल नेचर एंड हैविंग एफिशियंट एंड प्रोलिफिक वर्कर्स. हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ बी कीपिंग. बी कीपिंग मधुमक्खी को हम किस प्रकार से हम छत्ते में रख सकते हैं. दो मेथड हैं इसमें, इंडिजीनियस मेथड है एंड मॉडर्न मेथड है. अगर हम इंडिजीनियस मेथड की बात करें तो ये दो प्रकार से होते हैं. इसके अंदर एक तो होता है फिक्स्ड हाइव और एक होता है मूवेबल हाइव. फिक्स छत्ता और एक छत्ता जिसको कि हम मूव कर सकते हैं. फिक्स्ड हाइट का जो छत्ता होता है इट इज प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कोम बिकॉज बीज प्रिपेयर द हाइव देमसेल्व्स ऑन द वॉल्स और द ट्रीज. और जो मूवेबल होता है इट कंप्राइजेस ऑफ वुडन बॉक्सेस और अर्दन पिचर्स, मटके, जो पहले मटकों के ऊपर या लकड़ी के ऊपर जो बीज अपने छत्ते बनाती थी. अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें एपिकल्चर की, द मॉडर्न बी हाइव्स वर डिजाइन बेस्ड ऑन बी स्पेस थ्योरी. इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम एल एल लैंगस्ट्रॉथ, दैट इज लोरेंजो लोरेन लैंगस्ट्रॉथ. बी स्पेस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू बी लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट कोम सर्फेसिस इन अ बी हाइव विच इज असेंशियल फॉर नॉर्मल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ बीज. ये जो मॉडर्न मेथड है इसको हमने इस प्रिंसिपल पे बनाया है कि हम इसमें बी स्पेस थ्योरी के ऊपर, मतलब कि हम बीज के अंदर इतना डिस्टेंस मेंटेन रखें अगर कोई छत्ता बनाते हैं तो, जिससे कि बी का नॉर्मल मूवमेंट और फंक्शन के अंदर कोई परेशानी ना आए. और हम टाइप्स ऑफ हाइव्स की बात करें तो इन जनरल फॉर ए मेलिफेरा वी यूज लैंगस्ट्रॉथ हाइव एंड फॉर ए सिरेना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हाइव ए एंड बी टाइप हम लोग यूज करते हैं. ये एक टिपिकल मूवेबल हाइव है. हम जो हम छत्ता बनाते हैं जो कि लॉन्गस्ट्रॉथ ने बनाया था वो कैसा होता है. अब आप देखिए इसको, आप नीचे से इसको देखना शुरू करिए. नीचे इसके अंदर टॉप कवर है, ये जो टॉप कवर है जो कि बेस के ऊपर होता है, जमीन पे इसको हम रखते हैं. इसके ऊपर आता है इनर कवर, ठीक है. This is the stand जो कि जमीन के ऊपर रखा जाता है. उसके ऊपर आता है ये बॉटम बोर्ड, है ना. ये एक्चुअली बीज की एक बेस प्रोवाइड करता है बीज की एंट्री के लिए. उसके ऊपर आता है ब्रूड चैम्बर, ये है ब्रूड चैम्बर. ये होता है चैम्बर जहाँ पर कि बीज जो होती हैं वो अपना कोम बनाती हैं, वो अपना छत्ता बनाती हैं. उसके बाद आता है क्वीन एक्सक्लूडर. ये जो होता है ये एक्चुअली ये वो जगह होती है जहां पर की क्वीन तो रहती है और वर्कर्स जो है वो इसमें, वर्कर्स इससे बाहर निकल सकते हैं लेकिन क्वीन इसके अंदर ही रहती है. उसके बाद आता है सुपर. ये एक तरह का फाउंडेशन होती है जो कि बी के, अगर हमको बी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो ये सुपर उसको
बढ़ा सकता है। और फिर आता है इनर कवर, जो कि एक बोर्ड होता है विच एक्ट्स एज ए पार्टीशन बिटवीन ब्रूड एंड सुपर चैम्बर। और देन आता है इसके ऊपर टॉप रूफ, टॉप कवर जिसको हम बोलते हैं, ये एक लिड होती है जो रूफ प्लेस्ड ओवर द इनर कवर, इनर कवर के ऊपर एक रूफ होता है। तो इस तरह से ये एक पूरा छत्ते का ये एक फॉर्मेशन हमने आर्टिफिशियली किया है, जिसको हम टिपिकल मूवेबल हाइव कहते हैं। ये लैंगस्ट्रॉप ने सब टाइप का हाइव होता है। इस छत्ते के अलावा बहुत सारी चीजें हम बी कीपिंग के लिए हमें चाहिए होती हैं, मछली मक्खी पालन के लिए, जैसे कि ये है एक, दिस इज अ कोम, ये एक कोम है जो कि कोम की शीट्स बनाने में, छत्ते की शीट्स बनाने में काम में आता है। ये एक बी वेल है, जिसको कि हम बोलते हैं एक तरह का घूंघट। दिस इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग बी स्टिंग ऑन फेस एंड नेक, हमारे मुंह के ऊपर और नेक के ऊपर अगर मधुमक्खी अटैक करती है तो ये हमें बचाता है, ये जो वेल है, बी वेल जो है, हमें बचाता है। दिस इज ए स्मोकर यूज्ड टू काम डाउन द बीज व्हाइल ओपनिंग द हाइव, जब हम छत्ते को खोलते हैं तो एक साथ मक्खियां निकलती हैं, तो उनको कूल करने के लिए, काम करने के लिए हम इसके अंदर से स्मोक, धुआं छोड़ते हैं। आपने बहुत सुना होगा ना कि मछली के मक्खी के छत्ते के नीचे हम धुआं चलाते हैं तो मक्खियां सारी उड़ जाती हैं और फिर हम उसके अंदर से शहद निकालते हैं। फिर आता है ये अनकैपिंग नाइफ, ये जो एक नाइफ है, इट इज ए लार्ज साइज नाइफ, इट इज यूज टू अनकैप द फ्रेम्स बिफोर हनी एक्सट्रैक्शन। हम जैसे मधुमक्खी के छत्ते से हम जब शहद निकालते हैं तो उसके ऊपर एक वैक्स की कैपिंग होती है, तो उसको हम इस नाइफ के द्वारा हटाते हैं। फिर आता है हनी एक्सट्रैक्टर, हम छत्ता इसके अंदर डाल देते हैं और ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स से रोटेट होता है और शहद अलग निकल जाता है और छत्ते का जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। सो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें मधुमक्खी पालन में काम में हम इसको इनको लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है हनी, शहद। बी प्रोड्यूस हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ प्लांट्स थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रीगर्जिटेशन एंड वाटर इवेपोरेशन। ये जो हनी हमें प्राप्त होता है, ये एक फूड होता है विच इज न्यूट्रिशियस फूड रिच इन एनर्जी एंड वाइटमिन्स। ये बहुत सारी मेडिसिन के अंदर काम में आता है, आयुर्वेदा के अंदर तो बिना शहद के मेडिसिन ही नहीं बन पाती है, ज़्यादातर ये कोल्ड कफ फीवर में काम आता है। इसके अलावा भी शहद की बहुत सारी यूजेस हैं जो हम डेली उसमें काम में लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ हनी की हम बात करें तो हनी क्या क्या इसका कॉम्पोजिशन होता है, तो हम देखेंगे इसके अंदर लेविलोज होता है 38.9%, इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है 21.28%, मैल्टोज एंड अदर शुगर्स इसके अंदर होती है 8.81%, एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स इसके अंदर होती हैं 2.21%, और वाटर इसके अंदर होता है 17.20%। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हनी, हनी किन किन चीजों से बना होता है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलता है हनी से, वो होता है बी वैक्स। नाउ यू सी दिस बी वैक्स, दीज आर द हनी comb, this is a honeycomb and these are the different cells present in the honeycomb. These cells are actually sealed by wax. Inki packing jo hoti hai wo hamesha wax se hoti hai. So bee wax is secreted by the wax glands located on the underside of the four abdominal segments of the worker bee. Worker bee ki last ki jo abdominal segments hoti hain uske upar ye bee wax glands present hote hain jo ki wax ko secret karte hain. Is picture ये लास्ट में आप देखिए 4, 5, 6, 7 चार एब्डोमिनल सेगमेंट्स के ऊपर ये वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इनका क्या यूज है वैक्स का, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, इट इज यूज्ड इन क्रीम्स, लोशंस एंड लिपस्टिक्स। वैक्स इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोम फाउंडेशन, कोम बनाने में भी वैक्स का काम होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो है एपिकल्चर का वो है रॉयल जेली। रॉयल जेली इट इज अ वेरी कॉस्टली, द ग्लैंडुलर सीक्रेशन ऑफ यंग वर्कर बीज, जो बहुत यंग वर्कर बीज होती हैं 4 से 10 दिन की, वो प्रोड्यूस करती हैं हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड, इनके हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड इनके हेड में होता है, वो एक ग्लैंडुलर सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि हम रॉयल जेली कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है
कि 4 से 10 दिन ओल्ड वर्कर बी के हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड जो कि हेड में प्रेजेंट होता है वो ग्लैंडुलर सीक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम रॉयल जेली कहते हैं एंड इट इज अ वेरी कॉस्टली जेली. यू कैन सी दिस, दिस इज अ सेल जिसके अंदर एक ये लार्वा है और इसके चारों तरफ से ये रॉयल जेली प्रेजेंट है. This is used in the treatment of diabetes, osteoporosis, etc. It also aids in the healing wounds and boost immunity. Next is bee venom. Bee venom is the next product of apiculture. Bee venom is a bitter colorless liquid containing proteins which causes local inflammation. जो ये bee venom is actually मधुमक्खी का जहर जिसको बोलते हैं जो कि ये अपने स्टिंग से हमारे अंदर घुसाती है. बी वेनम इज गिविंग एज ए शॉर्ट फॉर रूमेटाइटिस आर्थराइटिस नर्व पेन मल्टीपल स्क्लेरोसिस डी सैनिटाइजिंग द पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग. इसका जो बी वेनम का जो कॉम्पोजिशन होता है इसके अंदर मेलिटिनिन 30-50 फॉस्फोलाइपेज 10-50 एपामिन 3 हाइलुरुंडेज 2 मास सेल डीग्रेनुलेटिंग पेप्टाइड 2 एंड हिस्टामाइन लेस देन 1. नेक्स्ट इज प्रोपोलिस. इट इज अ रेजिनियस मिक्सचर दैट हनी बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सलाइवा एंड बी वैक्स विद एक्सुडेट गैदर्ड फ्रॉम द ट्री बर्ड्स. इट इज ये बी प्रोपोलिस मार्केट के अंदर मिलता है. इट इज यूज्ड by bees to seal the unwanted species in hive and used to treat cough and throat irritation. ये एक तरह की दवाई है जो cough और throat में हम काम में लेते हैं. अब हम बात करेंगे enemies, मधुमक्खी के दुश्मन कौन हैं? मधुमक्खी के दुश्मन होते हैं wax moth, ये ना? The caterpillars lives in the tunnels made by the bee, feed on the propolis, pollen and wax in the comb. Wasp जो होता है, it wait near the entrance of the hive and catches the bee as they come out. They macerate them for feeding the juices to its young ones. जो ये wasp होता है, ये हमेशा छत्ते के बाहर ही घूमता रहता है. जैसे ही मधुमक्खी बाहर आती है, एकदम उस पे अटैक करता है और उसको खा जाता है. और अदर एनिमीज के अंदर बीटल है, बर्ड्स हैं, एंट्स हैं, और भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं जो हर वक्त धाक लगाए बैठे हैं कि कब मक्खी आए, कब हम उसको खाएं. ये देखिए आप, ये दिस इज अ कॉम इन्फेस्टेड बाय वैक्स मॉथ. This is a picture showing that wasp किस तरह wasp जो है वो किस तरह से मक्खी को खा रहा है और ये एक bird है जो देखो किस तरह से अपनी beak के अंदर honey bee को लेके और बैठी हुई है. Diseases, honey bee के अंदर बहुत सारी diseases होती हैं जिससे उनका उनके उनकी मृत्यु हो जाती है. Diseases है जैसे acarine है, varroises है, American fool brood है, nosema है. ये diseases हैं और इनके बहुत सारे कॉजेज होते हैं. ट्रैकिया के ऊपर इन्फेक्ट कर देता है, हीमोलिम्फ के ऊपर अटैक हो जाता है और लार्वा का डेथ हो जाता है. दे डिस्ट्रॉय स्टमक सेल्स एंड इंटरफेरेंस विद द डाइजेशन. सो ये सारे जो डिजीजेज हैं ये आप देखिए, दिस इज एकारेपिस वूडी, दिस इज अमेरिकन फूल ब्रूड एंड दिस इज नोजेमा डिजीज, जिससे कि मधुमक्खी मर जाती हैं. सो दीज आर द डिजीजेज ऑफ हनी बी. दिस फिनिशेज योर एपिकल्चर and I have completed this in 2 parts. It is a very beautiful picture. I'm going to show you. ये एक honeybee है and see how this honeybee is collecting the pollens from the plant and it is accumulating these pollens. See किस तरह से pollen को इकट्ठा कर रही है ये honeybee. Thank you very much. Next we'll meet with some new topic. Thank you very much.